हमारी जो फोकस है वो पहले से, यात्रा शुरू होने से पहले ही स्क्रीनिंग पे रही है। और इस बार हमने नियम बनाया था स्वास्थ्य विभाग की ओर से कि जो 50 से ऊपर जो यात्री हैं उनका हम कंपलसरी स्क्रीनिंग करेंगे, और जो 50 से नीचे जो यात्री हैं उनको अगर कोई स्पेशल नीड है, उनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है, तो उनको हम वॉलंटरी बेसिस पे हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे। 50 से ऊपर यात्रियों का लगभग 87,000 से ज्यादा यात्रियों की हमने स्क्रीनिंग कर दी है, और लेस देन 50 1,27,000 यात्रियों की हमने अभी स्क्रीनिंग की है। जो यात्री जो 50+ हैं और खासकर कोमॉर्बिड हैं, उनसे हम एक अंडरटेकिंग ले रहे हैं जिसमें ये मेंशन किया जा रहा है कि जो भी यात्रा रूट में जो भी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी वो उसको भली भांति वो समझते हैं, क्योंकि यमुनोत्री और केदारनाथ जी वाले जो ट्रैक है वो कठिन है। इसलिए ऐसे 50+ यात्रियों को हम लोग काउंसिल करते हैं और उनको पूरे यात्रा से अक्लिमेटाइज होने के लिए कहते हैं, और ये भी सलाह मशवरा देते हैं कि हर 1 से 2 घंटे ट्रैक के बाद 10 से 15 मिनट का रेस्ट जरूर लें, प्रॉपर कपड़े जो है पहने और प्रॉपर अक्लिमेटाइजेशन अपना कराए। तो ये इस बार रिकॉर्ड नंबर ऑफ यात्री भी आए हैं, और एक अच्छी बात ये भी है कि यात्री स्वयं ही जो है स्क्रीनिंग करने के लिए स्क्रीनिंग पॉइंट्स में आ रहे हैं, और अच्छा कोऑपरेशन भी मिल रहा है यात्रियों से।